नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर उतरौली बलरामपुर से है। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मनोज पांडे जी विधायक एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर आगमन पर सपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर राम निवास मौर्य जी, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलरामपुर, डॉक्टर एस पी यादव जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर आरिफ अनवर हाशमी जी, पूर्व विधायक उतरौली बलरामपुर जगराम पासवान जी, पूर्व विधायक बलरामपुर मसूद खान जी, पूर्व विधायक तुलसीपुर भानु त्रिपाठी जी, जिला पंचायत सदस्य मनोज चौबे एवं तमाम समाजवादी साथी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। प्राइम न्यूज 24 से संवाददाता काजी नसीम की रिपोर्ट, उतरौली बलरामपुर। उसी तरह राजनीति मंजिल साहब बैठे दूसरा शेर लिखती है, ये जिधर घूमा उधर गवर्नमेंट चली गई। ये डॉक्टर भानु तिवारी छोटे से लड़के थे, इनको हमने मिलके कॉलेज का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और सारे साथियों का आह्वान किया, धमाकेदार जीत बन। उसके बाद हमने कहा बेटा अध्यक्ष ही लड़ो, ये मिलके पीजी कॉलेज के अध्यक्ष भी हुए। पिछली बार पंचायत का चुनाव हो दूसरे को मिल गया था, इन्होंने कहा चाचा हम भी लड़ना चाहते हैं। हमने जिन्हें टिकट मिला था हमने कहा भाई अगर हमें एक बच्चे का मान रखना है, ब्राह्मण समाज का है, अगर आप हमारे ऊपर एहसान कर दे, मेहनत तो करना पड़ेगा। मालिक ने उसमें इज्जत रखी, ये जिला पंचायत के सदस्य तैयार है। हम सब साथियों का आह्वान करते हैं कि दोस्तों मिठाई खाने में मीठी लगती है लेकिन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए हम सभी का दिल की गहराई से इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। और माननीय मंत्री जी का बलरामपुर, चूंकि आज हम लोगों का गला सूख गया, ना जो है नाश्ता ही रहा ना लंच ही रहा, हम तो जो है वो लंच पैकेट हमारे पास थी, प्रबुद्ध समाज के लोग साथ थे तो अभी तो रखा ही रखा रह गया साहब, बेअदबी हो जाती तो बैठे बैठे साहब गला सूख गया। तो इसलिए जो है इसलिए सभी को मेहनत करना है। अब प्रबुद्ध सभा के पदाधिकारियों से हम गुजारिश करेंगे, साथियों आप लोग हर विधानसभा में जहां से मांग आवे आप आइए, आपका स्वागत है और मेहनत करिए। अब एक नया सवेरा फिर आवे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश से, के गरीबों का काम चले, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नौजवानों को चिरागों को आंखों में महफूज रखना, हम न जाने कहा फिर चिरागों को आंखों में महफूज रखना। मसूद ने बोल दिया देखिए शेर लटक गया, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, सफर में न जाने कहा रात होगी, हम मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर है हम भी, न जाने कहा फिर मुलाकात। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी,